और बता दें रायपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन जारी है। नामांकन रैली से ठीक पहले बड़े नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी ने गोपेश साहू का नाम काट दिया है, वहीं अशोक सिन्हा को नया प्रत्याशी बनाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है आशीष। आशीष, क्या कुछ नजारा वहां पर देखा जा सकता है, क्या कुछ लोगों का कहना है? और शायद हमारे संपर्क आशीष से नहीं हो पा रहा, तो तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर में जमकर जो है बवाल हो रहा है। एकात्म परिसर है ये, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। टिकट से वंचित नेता हैं जो यहाँ पर बवाल कर रहे हैं। महिलाएं आप देख सकते हैं कितनी तादाद में पहुंची हैं, हाथों में तख्तियां लेकर ये विरोध कर रही हैं। और संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ लोगों का वहां पर कहना है, क्या कुछ नजारा अभी नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, पहले तो तस्वीरें आपको दिखा दें, बीजेपी कार्यालय का ये एकात्म परिसर, और यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और नाराजगी इस बात को लेकर है कि बीजेपी ने जो पहले सूची जारी की थी उसमें जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया था, कल अपीली समिति की बैठक में उस नाम को काट कर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दी गई। यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है जिनकी पहले टिकट डिक्लेयर की गई थी और बाद में टिकट काट दी गई, गोपेश साहू। नाराजगी किस बात को लेकर? नाराजगी इसकी बात की है कि मुझे रात में बगैर इत्तिला किए, बगैर कुछ बोले पार्टी ने मेरा नाम काट दिया है, दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कुछ घंटे बाद नामांकन दाखिल होना है। लगता है कि पार्टी दबाव के बाद झुकेगी और जब तक पार्टी हमें जवाब नहीं देती हमारा टिकट क्यों काटा गया है उसे नहीं हटेंगे हम लोग। नामांकन रैली यहीं से गुजरनी है तमाम प्रत्याशियों के, तो क्या आप लोग जाने देंगे? जी नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हमें पहले जवाब दे पार्टी, उसके बाद हम जाने देंगे। जो है पार्टी के हम सदस्य हैं, क्यों नहीं बताया गया हमारा टिकट जब काटा गया है, तो उसका पहले जवाब देना था, उसके बाद काटते भले। पूछिए, क्या पार्टी को कोई नाराजगी है इनसे, जिस वजह से कल के बाद आज एकदम से नाम हटा दिया गया और दूसरा नाम ऐलान कर दिया गया? एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या पार्टी को कोई अचानक से नाराजगी आपके नाम को लेकर आई क्या, कि पहले आपके नाम को लेकर जब टिकट डिक्लेयर कर दिया गया था तो भी अचानक आपने की नौबत क्यों आई? पार्टी को ऐसे नाराजगी सामने हो रहती तो मुझसे बात करती, एक बार बताती मेरे को क्या कारण है, क्यों मेरा टिकट काटा जा रहा है, इस कारण से कुछ बात करते तो समझ में आता। अभी तक ना मेरे को कुछ जवाब मिला है, ना कुछ कारणवश क्यों काटा गया, आज तक कुछ जवाब नहीं मिला गया है। 24 घंटे में पूरा कार्यकर्ता एक्टिव हो गए थे, मेरे सब कार्यकर्ता काम पे लग गए थे अपने अपने, कार्यकर्ता काम में जुट चुके थे, प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के मेन गेट पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम जो गोपेश साहू के जो समर्थन करने यहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई है। वार्ड क्रमांक 8 के ये प्रत्याशी थे, एन वक्त पर देर रात टिकट काट दी गई और वहां से कैंडिडेट बदला गया। और हालांकि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये बता दूं कि इसी एकात्म परिसर कार्यालय से थोड़ी देर बाद बीजेपी अपनी नामांकन रैली निकालने वाली है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी सांसद, ऐसे तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक है, नाराजगी की वजह तो आपको पता होगी, लगता है कि इनका समाधान पार्टी ढूंढेगी? निश्चित रूप से पार्टी समाधान करेगी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा बहुत असंतोष होता है, 2850 पार्षदों की टिकट तय की है, उसमें 10-5 जगह ऐसा विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा होता है। लेकिन ये प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जब तक समाधान नहीं होगा नामांकन रैली नहीं निकलने दी जाएगी। देखिए, समझा लिया जाएगा, सबको प्रयास करेंगे, सबको संतुष्ट करने का प्रयास। तो देखिए, संगठन यही कह रहा है कि प्रदर्शनकारी जो हमें समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पिछले 2 घंटे से लगातार जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लगता नहीं कि ये जो समर्थक जुटे हैं गोपेश साहू के, ये मानने का इरादा रखते हैं। हालांकि 1 घंटे बाद यहाँ से बीजेपी की नामांकन रैली निकलनी है, थोड़ी देर बाद तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर होगी। देखना ये होगा कि क्या इन नाराज समर्थकों को बीजेपी के बड़े नेता बना पाते हैं या नहीं। चलिए आशीष, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।